हेलो, नाउ वॉइस इज ऑडिबल। गंगास मैरिज वेयर वी हैड स्टार्ट हेडेक। आई थिंक दैट इट हैज बीन कंप्लीटेड। हेडेक कम, लेट अस गो एंड सी अ डॉक्टर प्लीज। We have completed. I have no headache. I am my usual self. How here we have to teach? I have no headache. Okay. Very good afternoon, all of you. Very good afternoon. 11th क्लास मिस रंगा सेड हियर दैट आई हैव नो हेडेक। आई हैव नो हेडेक, आई एम माय यूजुअल सेल्फ। मिस सिरदर्द नहीं है, मैं पहले की तरह से क्या है, मैं पहले की तरह से बिल्कुल ठीक। आई एम क्वाइट राइट, देयर इज नो पेन, देयर इज नो हेडेक। पेन, हेड पेन कभी नहीं बोलते हैं, हमेशा क्या बोलते हैं, हेड एक। पेन और एक में अंतर है, ठीक है ना। एक्सटर्नली जो दर्द है, जैसे आउटसाइड आउटसाइड है, तो उसको एक बोलेंगे, एक ही बोलते हैं, है ना। वैसे पेन और एक में अंतर है। आई हैव नो हेडेक। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग ए गर्ल फॉर मी वाज गोइंग ऑन। नाउ द नरेटर श्यामा मेक्स क्लियर हियर दैट आई वेंट थ्रू द सेम थिंग। मेरे साथ भी ऐसी घटना घटित हुई थी, मैं भी इसी तरह की स्थिति से गुजरा हूँ। मिस श्यामा नरेटर शेयर द हिज फीलिंग दैट वी पास्ड आल्सो द सेम थिंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग ए गर्ल वाज गोइंग ऑन। बट आई डोंट थिंक दैट कुड बी अ रीजन फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन। कहता कि लेकिन मैं समझा नहीं तुम्हारी वर्तमान हालत में क्या हो सकता है। तुमने तो अभी इस गर्ल को चूज करने के लिए तुम्हारे पास तो कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं, ऐसा कुछ, ऐसे कोई बात है नहीं। मिस ए कैन प्लीज जस्ट आई टोल्ड यू देन हेड इज एक्सटर्नली। मिस पेन मतलब ये कह सकते हैं इंटरनली एंड एक्सटर्नली इन द सेंस, जैसे कि वुंड्स का पेन दर्द है, वुंड्स घाव इंजरी है, उसको आप पेन बोलते हैं, है ना। या पेन उसको बोलते हैं जैसे कि कोई एफर्ट करते हैं, कोई स्ट्रगल करते हैं, उसमें जो
वर्क करते हैं उसमें जो पेन होता है, जो कष्ट होता है, उसको भी पेन बोलते हैं, है ना। इंग्लिश बॉडली दर्द को, शारीरिक दर्द को एक बॉडी मिस, जिस बॉडी में तो पेन हो रहा है, इस हेडेक, ये इंटरनल जो दर्द है उसको आप एक बोलेंगे, एक उत्कर्ष राज। तो कहता है कि बट आई डोंट थिंक दैट दैट कुड बी अ रीजन फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन। रंगा स्टेयर्ड एट मी एज सुन एज द आथर आस्क्ड दिस थिंग। रंगा स्टार्टेड टू स्टेयर हिम, वो घूरने लगा, मिस, क्योंकि नरेटर ने उसकी दुखती हुई रग में हाथ रख दिया था। कम लेट अस गो एंड सी शास्त्री, आई सजेस्टेड। कहते हैं ठीक है मेरे साथ चलिए, हम लोग शास्त्री के पास चलते हैं। हुआ शास्त्री, हुआ शास्त्री, एस्ट्रोलॉजर शास्त्री वाइस एंड एस्ट्रोलॉजर ऑफ विलेज, एस्ट्रोलॉजर ऑफ विलेज, एस्ट्रोलॉजी तो पामिस्ट हो गया, पंडित, यस यू कैन से पंडित आल्सो। एस्ट्रोलॉजर ओके, कहता है कि वी विल एज सुन एज शास्त्री साहब, ओके सॉरी, वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू आर नॉट। तो मिस गुरु और शनि क्या हैं, ग्रह हैं, स्टार्स हैं। कहता है कि देखते हैं, उनसे पूछते हैं, शास्त्री से पूछते हैं, पंडित से पूछते हैं, ये आपके जो गुरु और शनि जो हैं वो फेवरेबल हैं कि नहीं है, ऑस्पिशियस हैं कि नहीं है, शुभ हैं कि नहीं है। ऑस्पिशियस में शुभ होता है AUSPICIOUS, ओके, फेवरेबल हैं कि नहीं, आपके फेवर में हैं कि नहीं, आर फेवरेबल फॉर यू आर नॉट, मीन्स गुरु और शनि, समझ गए ना, दीज आर द स्टार्स। गुरु और शनि आपके फेवर में हैं कि नहीं है, यस स्टार्स, ज्योतिषी। रंगा है कंप्लीट मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट। अब रंगा कहता है कि रंगा बिना किसी प्रोटेस्ट के, विदाउट एनी प्रोटेस्ट ही स्टार्टेड विद द नरेटर फॉर द शास्त्री और एस्ट्रोलॉजर। ठीक, एज सुन एज शास्त्री सॉ मी ही एक्सक्लेम्ड, व्हाट ए सरप्राइज श्यामा, हैव नॉट सीन यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। और जैसे ही शास्त्री मिस आए सुनाए शास्त्री सामी, जैसे ही शास्त्री ने मुझे देखा उसने क्या कहा, व्हाट इज सरप्राइज, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट क्या सरप्राइज हुआ, दैट आई हैव नॉट सीन यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। मिस आप कहाँ थे अभी तक कहाँ थे, ये who said to whom that I have not seen you for a long time, tell me who said to whom। शास्त्री से, शास्त्री सेड टू नरेटर श्यामा, यस, ओके, यस शास्त्री सेड टू श्यामा, कहता है कि हैव नॉट सीन यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। श्यामा इज नन अदर देन योर सर्वेंट द नरेटर ऑफ दिस टेल। श्यामा और कोई नहीं है, श्यामा इज नन अदर देन योर सर्वेंट। मीन्स श्यामा कौन है,
हुआ श्यामा। श्यामा कोई नौकर नहीं है, श्यामा इज नॉट ए सर्वेंट। ये क्या है, स्टोरी का नरेटर है, नरेटर ऑफ द स्टोरी है, ठीक है ना। आई गॉट एंग्री एंड शाउटेड, व्हाट ओनली द मॉर्निंग, शास्त्री कंप्लीटेड माय सेंटेंस। कहता है कि मैं मिस आई गॉट एंग्री एंड शाउटेड, बीइंग एंग्री आई शाउटेड। बीइंग एंग्री हु शाउटेड, गुस्सा होकर के कौन चिल्लाया, बीइंग एंग्री हु शाउटेड। वेरी गुड आफ्टरनून, यस, बीइंग एंग्री हु शाउटेड। नरेटर, व्हाट, क्या, ओनली दिस मॉर्निंग केवल ये सुबह शास्त्री कंप्लीटेड माय सेंटेंस, शास्त्री ने मेरे सेंटेंस को कंप्लीट किया। यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी, इट मीन्स क्या है, तुमने अपना सारा, जस्ट यू हैव कंप्लीटेड योर मिस यू हैव कंप्लीटेड योर ऑल वर्क, नाउ यू आर फ्री टू मीट मी, आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क जस्ट यू केम हियर टू मीट मी, जस्ट यू केम हियर टू मीट मी। आई वुड हैव ही हैड डन सो, हैड ही नॉट डन सो। अब ये हैड ही के विषय मैंने बताया था ना, हैड ही इज इक्वल टू क्या होगा, आई हैव अर्लियर टोल्ड यू, हैव यू रिमेम्बर्ड व्हाट विल बी हैड ही इज इक्वल टू। एनीबडी एल्स वुड लाइक टू टेल हैड ही इज इक्वल टू, हैड ही दैट इज विजिबल, एनीबडी एल्स वुड लाइक टू टेल द मीनिंग हैड ही इज इक्वल टू, माई वॉइस इज ऑडिबल, तो हैड ही का मतलब क्या होगा, इज इक्वल टू में क्या लिखा जाएगा, कोई बताएगा, अंशिका जायसवाल, हैड ही इज इक्वल टू, संचिता गुप्ता, कोई बताए, कृतिका, यस कृतिका, इफ ही हैड, यस हैड ही इज इक्वल टू इफ ही हैड। ये क्या है, ये पास्ट का कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस ऑफ पास्ट, कंडीशनल सेंटेंस ऑफ पास्ट, ये याद रखेंगे सभी लोग। यस, हैड ही नॉट डन सो, यदि वो ऐसा ना करता, आई वुड हैव रुइंड आवर प्लान बाय बर्स्टिंग like grains that are kept in the sun to dry।
यदि वो ऐसा ना करता तो मेरा प्लान जो है बर्बाद हो जाता। जब दोनों तरफ ता होता है तो पास्ट का कंडीशनल सेंटेंस होता है। इफ ही हैड डन सो, यदि वो ऐसा ना करता तो मेरा जो प्लान था, किसका प्लान, किसने प्लान किया था, किसका प्लान बर्बाद हो जाता, कोई बताएगा किसका प्लान बर्बाद हो जाता? By bursting like grains that are kept in the sun to dry, जैसे धूप में सूखने के लिए जो धान रखी जाती है, कूटने से पहले जो स्थित होती है वो हो जाता। ऐसा एग्जाम्पल, आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ वॉट आई सेड आफ्टरवर्ड्स, कहता है मैं बेहद सावधान था। आई एम एक्सट्रीमली केयरफुल, केयरफुल मीन्स अबाउट द कन्वर्सेशन बिटवीन बिटवीन शास्त्री एंड हिम। मीन्स प्लान किसका था? नरेटर का था, श्यामा का था। इस शास्त्री और नरेटर मिलकर के एक प्लान किया था, उसको देखेंगे समझेंगे। टेक आउट योर पैराफेरनलिया पर्सनल बिलोंगिंग्स, पैराफेरनलिया मीन्स पर्सनल बिलोंगिंग्स, जो निजी सामग्री होती हैं वो, जैसे कि अब एक एस्ट्रोलॉजर्स की पर्सनल बिलोंगिंग क्या होगी, उसकी जो बुक होगी एस्ट्रोलॉजर की, और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। टेक आउट योर पर्सनल बिलोंगिंग, अवर रंगप्पा सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड। मीन्स अपनी जो बुक है एस्ट्रोलॉजी की जो बुक है वो बाहर लाइए, और मीन्स उस समय रंगप्पा सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड, उस समय रंगप्पा के दिमाग में कुछ चल रहा होता है। कैन यू टेल मी, कैन यू टेल अस व्हाट्स वरिंग हिम, क्या आप बता सकते हैं किस विषय में वो चिंतित है, क्या ये सोच रहा है? शैल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट, आप अपनी एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी यू नो साइंस ऑफ स्टार्स ऑन ह्यूमन अफेयर्स, साइंस ऑफ स्टार्स ऑन ह्यूमन अफेयर्स, दैट इज द मीनिंग ऑफ एस्ट्रोलॉजी। मीन्स आप अपनी साइंस का यूज, मीन्स इनके विचारों को समझने के लिए कर सकते हैं क्या, उनकी चिंता का कारण बता सकते हैं क्या? मिस वाई वाइस रंगा वरीट, कैन यू टेल मी विद द हेल्प ऑफ योर एस्ट्रोलॉजी दैट व्हाट इज द रीजन ऑफ इस वरी। ओके, देयर वाज अथॉरिटी इन माय वॉइस एज आई स्पोक टू शास्त्री। क्या कहता है, कहता है कि कैन यू टेल मी, मिस शैल बी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, देयर वॉज अथॉरिटी इन माई वॉइस एज आई स्पोक टू शास्त्री। मिस हमारी वॉइस में एक अधिकार भरी एक आवाज थी जो कि मैंने शास्त्री से बोली, मेरी वॉइस में अथॉरिटी थी, ओनरशिप थी, है ना, जो मैंने शास्त्री से बोला, ठीक है ना। ओके, ही टुक आउट टू शीट्स ऑफ पेपर, शास्त्री क्या लेकर के आए, टू शीट्स ऑफ पेपर, सम कौड़ीज, कौड़ी, कौड़ी जानते हैं आप लोग, कौड़ी देखा है, सम कौड़ीज एंड ए बुक ऑफ पामिरा लीव्स, और मिस पामिरा मिस एल ए ताम्रपत्र, पामिरा मीन्स ताम्रपत्र लेकर के आते हैं, ठीक है ना। क्या क्या लेते हैं, क्या लेकर के आते हैं शास्त्री जी, पंडित एस्ट्रोलॉजर, मीन्स सम कौरीज लेकर के आते हैं, टू शीट्स ऑफ पेपर लेकर के आते हैं, एंड ए बुक ऑफ, अ बुक ऑफ पामिरा लीव्स, ताम्रपत्र की, ताम्रपत्र लेकर के आते हैं। सेम कहते हुए अवर्स इज एन एंशियंट सैन आइया, आई आई मीन्स
इट इज सिंबल एक एड्रेसिंग है ना, एड्रेसिंग वर्ड है, एड्रेसिंग वर्ड है ये हमारी जो है प्राचीन, ये हमारा प्राचीन विज्ञान है। ये जो एस्ट्रोलॉजी है वो क्या है, हमारा एंशियंट साइंस है, दैट इज माई एंशियंट साइंस। आया आया इज द एड्रेसिंग वर्ड। ओके दिस इज नॉट ए हरि कथा, ये कोई हरि कथा नहीं है। हरि कथा ए स्टोरी ऑफ गॉड, हरि कथा मीन्स डू यू नो, हरि कथा मीन्स ए स्टोरी ऑफ गॉड, ये कोई हरि कथा नहीं है, स्टोरी ऑफ गॉड नहीं है। विच अलाउज यू टू टेल ए स्टोरी विद इन ए स्टोरी, जिसमें कहानी के अंदर कहानी होती है, जो हरि कथा होती है उसमें क्या होता है, कहानी के अंदर कहानी होती है। तो ये हमारी एंशियंट साइंस है कि कोई हरि कथा नहीं है जिसके अंदर स्टोरी विद इन स्टोरी होगी, ऐसा नहीं है कि हु सेज़ टू हूम, कौन किससे कहता है, हु सेज़ टू हूम। कहानी को सुनने में आप बोर हो सकते हो, कहता है कि कहानी को सुनने में यू मे गेट बोर्ड, यू मे गेट बोर्ड, आई विल टेल इट टू यू सम अदर टाइम। और जो इससे रिलेटेड और सारी चीज़ें हैं, ये मेरी एंशियंट साइंस है, इससे रिलेटेड पूरी जो बातें हैं उनमें बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये कुछ लंबी कथा है ना, तो इससे रिलेटेड इसकी कहानी में बाद में बताऊँगा। अभी शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स फास्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स एंड देन आस्क्ड, शास्त्री काउंटेड एंड कंप्यूटेटेड मींस सीइंग हिज मूवमेंट ऑफ लिप्स वन कैन अंडरस्टैंड शास्त्री जी इज कंप्यूटेटिंग एंड कैलकुलेटिंग द स्टार्स इन हिज माइंड एंड जस्ट इज काउंटिंग समथिंग ऑन हिज फिंगर्स, He is counting something on his fingers and then ask, उसके बाद में बोलते हैं what's your star, आपके क्या नक्षत्र हैं, क्या ग्रह नक्षत्र हैं। रंगा did not know, रंगा नहीं समझ पाया क्या है, रंगा नहीं समझ पाया, never mind, शास्त्री indicated with a shake of his head, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, परेशान मत होइए। कहता है कि शास्त्री ने सिर हिलाते हुए तुम्हारी राश कौन सी है ये पूछा पहले, कैलकुलेटिंग आफ्टर कैलकुलेटिंग एंड कंप्यूटेटिंग शास्त्री आस्क दैट व्हाट इज योर स्टार, मीन्स राशि कौन है। राशि तो जैसे नहीं नाम से सबकी राशि होती है, मेष वृश्चिक कन्या सिंह, इस तरह से रंगा को तो पता नहीं था, तो नेवर माइंड, परेशान होने की जरूरत नहीं। शास्त्री इंडिकेटेड विद अ शेक ऑफ हिज हेड, अपने नॉडेड, नॉडेड मीन्स मैंने बताया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉडेड हियर, कैन यू टेल मी, नॉडेड मीन्स क्या है, नॉडेड आज लेसन को कंप्लीट हो जाए ज़्यादा बेटर रहेगा, कोशिश करते हैं कंप्लीट करने की। तो नॉडेड मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉडेड, हाँ की मुद्रा में सिर हिलाना। ही डिड सम मोर कैलकुलेशन मीन्स आफ्टर देन शास्त्री जी कैलकुलेटेड मोर बिफोर सेइंग इन ए सीरियस टोन, कुछ गंभीर स्वर में कहने के पहले उन्होंने कुछ कैलकुलेशन किया, आफ्टर कैलकुलेटिंग एंड कंप्यूटेटिंग उन्होंने कहा इट इज़ अबाउट ए गर्ल, ये जो चिंता चल रही है ना रंगा के दिमाग में
वो किसी लड़की के बारे में है। क्या बताया है कैलकुलेशन के बाद में? ये लड़की के बारे में है। कैलकुलेशन के बाद में उन्होंने जो बताया, क्या बताया? इन्फॉर्मेशन यस हमें कि इनके विषय की जो चिंता है, इनका जो सिरदर्द है ना, हेडेक, वो हेडेक का रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड हिज हेडेक? शास्त्री जी कहते हैं मिस नोबडी एल्स एक्सेप्ट ए गर्ल, इट इज अबाउट ए गर्ल। आई हैड बीन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर ऑल दिस वाइल। नरेटर क्या कहता है? नरेटर स्टेट्स हियर दैट आई ट्राई टू लेवल बेस्ट टू कंट्रोल माई पील ऑफ लाफ्टर एट द टाइम व्हेन शास्त्री स्टेटेड दैट मिस द रीजन ऑफ हिज हेडेक इज ओनली एंड ओनली अ गर्ल। उसके सिरदर्द का कारण सिर्फ और सिर्फ कोई लड़की है, जिसके कारण इनके सिर में दर्द हो रहा है। कहता कि मैं अपनी हंसी को रोकने के लिए पूरा प्रयास किया, बट हुआ क्या? प्रयास सफल हुआ। आथर ने अपनी लॉफिंग को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की, बट नाउ आई बर्स्ट आउट लॉफ। लेकिन वो जो है, मेरी हंसी रुकी नहीं और वो ही बिगैन टू लाफ, वो हंसना शुरू कर दिया। आई टर्न टू रंगा, मैं रंगा की तरफ मुड़ा। एग्जैक्टली व्हाट आई हैड सेड, ठीक वैसे ही जैसे मैंने कहा था, ठीक वैसे ही जैसे मैंने कहा था। हेडेक ड्यू टू गर्ल, यस, गर्ल के कारण ही उसके अंदर सरदर्द था। आई हैड बीन, हु इज द गर्ल? इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन, हु इज द गर्ल, लड़की कौन है? इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन। ये आप समझ लीजिए, ये तुम्हारा ईमानदार, हम्बल, विनम्र सर्वेंट है जिसने सवाल पूछा था। शास्त्री थॉट फॉर ए व्हाइल बिफोर रिप्लाइंग। वंस अगेन शास्त्री एस्ट्रोलॉजर पंडित जी कंप्यूटेटेड एंड कैलकुलेटेड इन हिज माइंड बिफोर रिप्लाइंग क्या कहते हैं? शी प्रोबेबली हैज द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशन। मिस, उस लड़की का नाम कुछ ऐसा इस तरह से हो सकता है जो वस्तु में मिस समुद्र में पाई जाती है, समुद्र से निकली हो। समुद्र में पाई जाने वाली किसी वस्तु का नाम उस लड़की से रिलेट है। उस लड़की से रिलेटेड जो नाम है वो क्या है? समुद्र में पाई जाने वाली वस्तु में। कहते हैं कमला, क्या कमला नाम है? नहीं, रत्ना तो आप लोग जानते हो, वो लोग नहीं जानते, वो नहीं जानता ना। कमला तो कहता मैं भी, हो सकता है कमला हो, मैं भी। कुड इट बी पक्षी, मॉस मीन्स मट या कीचड़। क्या वो पक्षी है? क्या पक्षी का नाम हो सकता है कोई, या कीचड़ हो सकता है? मॉस मीन्स होता है मट, मॉस MOSS। मट मीन्स कीचड़, तो कीचड़ हो सकता है समुद्र से निकला हुआ। मस्ट इट बी मॉस इफ इट इज नॉट कमला, यदि कमला नहीं है तो मॉस हो सकता है, मड हो सकता है। इट मस्ट बी मड भी हो सकता है। व्हाई नॉट पर्ल और रत्ना, ये बताइए मोती और रत्न क्यों नहीं हो सकते? द प्रेसियस स्टोन, ये तो प्रेसियस स्टोन भी तो समुद्र में पाए जाते हैं,
एक कीमती जो पत्थर हैं प्रेशियस स्टोन दे आर आल्सो फाउंड इन द सी, ये भी तो सागर में पाए जाते हैं। जो रत्न है रत्ना द गर्ल इन रामा राव हाउस इज रत्ना, तो रत्ना तो वो लड़की जो रामा राव उसके घर में है। टेल मी इज देयर एनी चांस ऑफ और नेगोशिएशंस बियरिंग फ्रूट, कहता है कि ये भी हो सकता है निश्चित रूप से। कहता रामा राव के घर आने वाली रत्ना मुझे बताओ क्या फल देने वाला कोई विकल्प निकलेगा कि उसमें कुछ यदि एफर्ट किया जाए तो क्या निगोशिएशन मीन्स बातचीत होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निगोशिएशन, निगोशिएशन मीन्स बातचीत है ना, कुछ बातचीत का परिणाम निकलेगा, मीन्स देयर विल बी कम आउट रिजल्ट एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ निगोशिएशन। कहते हैं कि आई डोंट नो ऑल दैट, देयर मे बी सम अदर गर्ल हु इज सुटेबल, लेकिन वो बात घुमाता है, कहता है कि परंतु निश्चित रूप से कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, क्या कहा कि आई डोंट नो, मुझे सब कुछ तो नहीं पता, देयर मे बी सम अदर गर्ल हु इज सुटेबल, कोई और दूसरी लड़की भी हो सकती है, सॉरी डेफिनेटली ही सेड आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम, कुछ निश्चित रूप से डेफिनेटली ही सेड, उसने कहा निश्चित रूप से फल निकलेगा रिजल्ट निकलेगा आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम, कुछ समय सोचने के बाद। देयर वाज सरप्राइज ऑन रंगास फेस, रंगा के चेहरे पर एक बड़ी सरप्राइजिंग एक्सप्रेशन थी अभिव्यक्ति एंड सम हैप्पीनेस। जब ऐसी बात हुई कि यदि कुछ बातचीत किया जाए तो कुछ रिजल्ट निकलेगा तो रंगा के चेहरे पर हैप्पीनेस थी, एक फीलिंग थी, इमोशन थी जिसको कोई भी नोटिस कर सकता था। वन कैन नोटिस सीइंग द फेस ऑफ रंगास दैट हियरिंग दिस ही इज वेरी ग्लैड। आई नोटिस्ड इट बट दैट गर्ल इज मैरिड आई सेड, नरेटर लेकिन क्या कहता है, नरेटर झूठ बोलता है, नरेटर टेल्स अ लाई हियर, क्या झूठ बोलता है, बट लेकिन दैट गर्ल इज मैरिड, लेकिन वो लड़की क्या है, लड़की जो है वो शादीशुदा है, लड़की क्या है वो शादीशुदा है, बट दैट गर्ल इज मैरिड। देन आई टर्न टू हिम हिज फेस हैड फॉलन, मीन्स एज सून एज द आथर सेड दैट, जैसे ही आथर ने ये कहा कि वो लड़की शादीशुदा है और आथर रंगप्पा की तरफ मुड़ करके देखता है तो उसका चेहरा फिर से लटक जाता है। ये मैरिड होने की बात सच नहीं, वो झूठ थे, वाइल सी इज नॉट मैरिड, सी इज अनमैरिड, लेकिन नरेटर ने झूठ बोला, नरेटर टोल्ड ए लाय, बट दैट गर्ल इज मैरिड आई सेड, देन आई टर्न टू हिम हिज फेस हैड फॉलन, कहता है कि ये कहकर के मैंने जो है रंगा के फेस को पढ़ना चाहा, रंगा का फेस को देखा तो उसका चेहरा फिर से लटक गया था, फिर से मायूस हो गया था कि वो तो शादीशुदा है। आई डोंट नो ऑल दैट, कहता लेकिन मैं सब कुछ नहीं जानता हूँ, बिल्कुल क्लियर कट ये नहीं पता है कि वो शादीशुदा है। देयर मे बी सम अदर गर्ल हु इज सुटेबल, अरे ठीक है वो शादीशुदा है तो कोई और उपयुक्त लड़की उसको मिल सकती है। I only told you whatever Shastri indicated, Shastri said. Shastri कहता है, Shastri जी क्या कहते हैं कि मैंने वही सब कुछ बताया है जो मेरा शास्त्र, मेरी एस्ट्रोलॉजी
मेरा मेरी एस्ट्रोलॉजी कह रही, मेरा जो शास्त्र कह रही, मैं कोई गेस करके नहीं बता रहा हूँ। शास्त्री क्लियर हियर दैट आई एम नॉट गेसिंग एंड एंटिसिपेटिंग, आई एम सेइंग द सेम फैक्ट, आई एम एक्सप्रेसिंग द फैक्ट फैक्ट व्हाट्स माय एस्ट्रोलॉजी क्लियर। ठीक है, सरप्राइजिंग, वी लेफ्ट द प्लेस, वीक ऑन वीक के लिए यूज हुआ, हम लोगों ने वो स्थान छोड़ दिया। किन लोगों ने स्थान छोड़ दिया? वी लेफ्ट द प्लेस, हम लोगों ने स्थान छोड़ दिया। वी कौन है? वी किसके लिए यूज हुआ यह? वी किसके लिए यूज हुआ, कोई बताएगा? वी लेफ्ट द प्लेस, हम लोगों ने स्थान छोड़ दिया। श्यामा एंड रंगा, यस, श्यामा एंड रंगा दोनों लोगों ने वो स्थान छोड़ दिया। ऑन द वे वी पास्ड बाय रामा राव्स हाउस, कहता है कि रास्ता जो हम लोग जो है गुजरे, तो कहाँ से गुजरे? आंधे रास्ते पर, रास्ते पर हमें घर मिला, जहाँ के जिसके सामने से गुजरे, किसका घर मिला? रामा राव के घर के सामने से हम गुजरे। रत्ना वाज स्टैंडिंग एट द डोर, रत्ना जो है दरवाजे पर ही खड़ी हुई थी। रत्ना वाज स्टैंडिंग एट द डोर, रत्ना दरवाजे पर खड़ी हुई थी। आई वेंट इन एलोन एंड केम आउट ए मिनट लेटर, आई वेंट एलोन, मैं अकेला उनके घर में चला गया और एक मिनट के बाद वापस आया, एक मिनट के बाद में मैं वापस आ गया। किसके घर चला गया? रामा राव के घर चला गया और एक मिनट के बाद में वापस आया, है ना? सरप्राइजिंग, आश्चर्य करते हुए, सरप्राइजिंग, सरप्राइजिंग, दिस गर्ल इज नॉट मैरिड इट सीम्स, मुझे पता हो गया है कि ये लड़की शादीशुदा नहीं है, ये लड़की शादीशुदा नहीं है। समर टोल्ड मी द अदर डे दैट शी वाज, इस किसी ने मुझे बताया था कि वो शादीशुदा नहीं है। मिस किसी ने हमें बताया था कि वो शादीशुदा नहीं है, लेकिन अब वो आज क्लियर भी हो गया कि वो शादीशुदा नहीं है। टुडे इट इज़ क्लियर एंड कन्फर्म दैट शी इज़ नॉट मैरिड, वो शादीशुदा नहीं है, शी इज एब्सोल्युटली अनमैरिड है। व्हाट शास्त्री टोल्ड अस हैज टर्न्ड आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल, जो कुछ भी शास्त्री ने बताया, जो कुछ भी शास्त्री ने बताया वो बिल्कुल सही है, वो यहाँ पर सही होता दिख रहा है, सही होता दिख रहा है। व्हाट शास्त्री टोल्ड अस हैज टर्न्ड आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल, बट रंगप्पा I cannot believe that you have been thinking of her. लेकिन रंगप्पा एक बात बताओ, मैं ये नहीं विश्वास कर सकता हूँ कि तुम उसके विषय में सोच रहे थे। तुम उसके विषय में सोच रहे थे, आप तो शुरू में कह रहे थे कि कोई बड़ी मैच्योर लड़की चाहिए और मिलेगी तो ठीक, नहीं तो मैं बैचलर ही रहूँगा, ऐसा बोल रहे थे। तुम उस लड़की के विषय में सोच रहे थे, swear on the name of Madhvacharya and tell me, is it true? What Shastri said? तुम्हें माधवाचार्य की कसम, ये कौन किसको कसम खिला रहा है बताओ, किसको कसम खिला रहा है? तुम्हें माधवाचार्य की कसम, टेल मी, मुझे बताओ, इज इट ट्रू व्हाट शास्त्री से, क्या ये सही है जो शास्त्री ने बताया है? यस, श्यामा तुरंगा,
कि शास्त्री ने जो बताया है कि तुम्हारे मिस सरदर्द का कारण कोई और नहीं है, लड़की है, और लड़की का नाम भी उन्होंने बताया कि समुद्र से निकली, जो समुद्र में कुछ मिस जो प्रेशियस थिंग्स पाई जाती हैं उन्हीं में से कोई एक नाम है। तो क्या रत्ना के कारण तुम्हारे सर में दर्द हो चुका था, हो गया था, जब आपने से सुना कि वो शादीशुदा है तब से तुम्हारे सर में दर्द हुआ? तुम्हें माधवाचार्य की कसम, सही सही बताओ। एंड टेल मी इज इट ट्रू व्हाट शास्त्री सेड? ये किसने पूछा? हु सेड टू हुम? नरेटर ने पूछा ना, किससे पूछा? नरेटर ने पूछा, किससे पूछा? रंगा से पूछा। यस, आई डोंट नो वेदर एनीवन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट, रंगा एडमिटेड। रंगा स्वीकार करता है, मैं नहीं जानता कि कोई इतना स्पष्ट बोलने वाला भी हो भी सकता है। रंगा ने स्वीकार किया, ये रंगा ने स्वीकार किया कि मुझे नहीं पता था कि कोई इतना स्पष्ट इतना क्लियर कट बता देगा। रंगा किसके लिए बोल रहा है? शास्त्री के लिए बोल रहा है, एस्ट्रोलॉजर के लिए बोल रहा है कि मेरे दिमाग में मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरा सरदर्द किस लिए था, वो सब कुछ शास्त्र जी ने बता दिया। मेरा देख करके, चेहरा देख करके, मेरा नाम, मेरे राशि को देख करके, सारा कुछ। मैं नहीं जानता था कि इतना कोई स्पष्ट बता सकता है। बात रंगा स्वीकार करता है, देयर इज ग्रेटर ट्रुथ इन व्हाट शास्त्र देन वी इमेजिन। कहता है कि वास्तव में शास्त्रों में भी हमारी इमेजिनेशन के से अधिक सच्चाई अच्छाई है। मतलब शास्त्रों में भी सच्चाई है, मतलब शास्त्र और जो है कंप्यूटेशन ऑफ स्टार्स, इस ग्रह जो ग्रह नक्षत्र हैं उसके माध्यम से सही बातें बताई जा सकती हैं, भविष्यवाणी की जा सकती है। दैट्स ग्रेटर ट्रूथ इन दैट शास्त्र देन वी इमेजिन, जो हम कल्पना कर रहे थे उससे अधिक अच्छाई और सच्चाई शास्त्र बता सकते हैं। वट ही सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू, जो कुछ भी उसने कहा है, जो उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा। दैट्स क्वाइट राइट, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू, ये बिल्कुल सही था। I followed this passage. This passage has been completed. Have followed. ना पढ़ने वाले आज भी नहीं आए। Yes, you have followed. This passage has been completed. Shastri was at the well when I went there that evening. I said, so Shastri girl, you repeated everything I had taught you without giving rise to any suspicion. Shastri was at the well. कहता है कि Shastri, well means क्या होता है? कुआं होता है ना। वेल मीन्स यहाँ अच्छा नहीं है, यहाँ पर वेल मीन्स कुआं। शास्त्री वाज एट द वेल, शास्त्री जी कहाँ थे? वेल वाज शास्त्री जी, शास्त्री वाज एट द वेल, कुएं पर थे। व्हेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग, उस शाम को जब मैं उधर गया तो शास्त्री जी कहाँ थे? कुएं पर थे। मैंने उनसे कहा, आई सेड, हु सेड? मैंने उनसे कहा, हु सेड? क्या कहा? सो शास्त्री गेल,
मैंने उनसे कहा, यस शास्त्रीगेल, यू रिपीटेड एवरीथिंग आई हैड टॉट यू विदाउट, कहते हैं आपने बिल्कुल वही वही रिपीट किया जो मैंने तुम्हें समझाया था। किसने किसको समझाया था? नरेटर ने शास्त्री को समझाया था कि ये सब कुछ आपको बोलना होगा, है ना, इसके सामने बोलना होगा, रंगा के सामने बोलना होगा। आपने बिल्कुल ठीक उसी तरीके से दोहराया और सस्पेंशन भी क्रिएट नहीं हुआ। आई हैव टॉट यू विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पेंशन, बिना शक पैदा हुए कोई सस्पेंशन भी क्रिएट नहीं हुआ, और तुमने बिल्कुल ठीक उसी तरीके से वही दोहराया जो हमने तुम्हें पढ़ाया, तुमने वही दोहराया जो हमने तुम्हें पढ़ाया। तुम इस नरेटर ने शास्त्री को रंगा के सामने क्या कुछ कहने के लिए ये सब कुछ पढ़ाया था, बताया था, ठीक उसी तरीके से, ठीक उसी तरीके से शास्त्री ने जो है बोला। तो ये प्लान था, ये नरेटर का प्लान था। व्हाट ए मार्वलस शास्त्र योर्स इज, तुम्हारा कितना शानदार शास्त्र है। मार्वलस मीन्स क्या होता है? मार्वलस ने ग्रैंड, तुम्हारा कितना शानदार शास्त्र है। व्हाट ए मार्वलस शास्त्र योर्स इज, मीन्स योर्स शास्त्र इज एक्सट्रीमली वेरी मार्वलस, आपका जो शास्त्र है बड़ा मार्वलस है, ग्रैंड है, शानदार है। ही डिड नॉट लाइक इट एट ऑल, कहता है कि ही डिड नॉट लाइक इट एट ऑल, उसे ये बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। पहले तो उसे बिल्कुल नहीं पसंद आया। व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट यू सेड टू मी वाज व्हाट आई कुड हैव फाउंड out myself from the Shastras. Don't forget, I developed on the hints you had given me. कहता है कि तुम क्या, मिस what are you saying, क्या कह रहे हो? What you said, जो कुछ भी तुमने मुझे बताया, जो कुछ भी तुमने कहा था, जो कुछ भी तुमने बताया था वो सब कुछ मैं शास्त्र में खोज करता रहता था। मीन्स व्हाट यू सेड, जो कुछ व्हाट यू सेड टू मी वाज व्हाट आई कुड हैव फाउंड आउट माई सेल्फ फ्रॉम द शास्त्रस, मैं जो कुछ भी तुमने हमें समझाया था, पढ़ाया था, वो सब कुछ मैं शास्त्र में खोजता रहता था। डोंट फॉरगेट, इस बात को मत भूलो। आई डेवलप्ड ऑन द हिंट्स यू हैड गिवन मी, लेकिन मैंने उसको विकसित किया जो तुमने मुझे हिंट किया था, जो तुम्हें मैंने तुम्हारे द्वारा दिए गए फैक्ट्स को डेवलप किया। टेल मी, मुझे बताओ, इज दिस व्हाट ए डिसेंट मैन सेज, ये क्या कोई जो मॉडर्न मैन है, डिसेंट मैन है, डिसेंट मीन्स मॉडर्न मैन, डिसेंट मीन्स मॉडर्न हियर, कोई मानो आधुनिक व्यक्ति ऐसा करता है क्या? टेल मी, इज दिस व्हाट ए डिसेंट मैन सेज, ओके रंगप्पा, रंगप्पा हैड कम द अदर डे टू इनवाइट मी फॉर डिनर। रंगप्पा रंगप्पा हैड कम द अदर डे टू इनवाइट मी फॉर डिनर, व्हाट इज द ओकेजन आई आस्क्ड, रंगप्पा किसको डिनर पर इनवाइट करने के लिए आया था? रंगप्पा केम फॉर इनवाइटिंग डिनर,
टेल मी, रंगप्पा किसको डिनर में इनवाइट करने के लिए आया? श्यामा को, शास्त्री को नहीं, श्यामा को। हाँ यस यू कैन सी नरेटर ना एस्ट्रोलॉजर। रंगप्पा हैड कम द अदर डे, रंगप्पा दूसरे दिन आया टू इनवाइट मी फॉर डिनर, और डिनर में इनवाइट करने के लिए। What is the occasion? I asked. Narrator asked that what is the occasion? क्या अवसर है? Miss, what is the occasion? किस बात के लिए आप मुझे डिनर पर बुलाने के लिए आए? What is the occasion? Miss, yes, रंगप्पा came to invite narrator. रंगप्पा came to invite narrator. Narrator asked that what is the reason and occasion? For your inviting. It is Shyama's birthday, he is 3. वो कहता है कि it is Shyama's birthday. ये श्यामा का बर्थडे है, वो 3 वर्ष का हो गया। ये श्यामा कौन है? ये नया श्यामा आ गया कि वही श्यामा है? This is new Shyama or that is the Miss, what is the name of narrator? What is the name of narrator and author? Shyama. लेकिन वो जो रंगप्पा इनवाइट करने के लिए आया है, वो बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करके करने आया है। वो कहता है इट इज श्यामाज बर्थडे, ये श्यामा का बर्थडे है। और श्यामा इज द नेम ऑफ द आथर, तो हुज बर्थडे इट इज? रंगाज सन, यस। He is 3. Miss, it is Shyama's birthday and he is 3 years old. 3 years ka hai. It is not a nice name, Shyama, I said. Narrator said, it is not a nice name. Ye achha naam nahi hai, Shyama. Shyama jo naam rakha hai, achha naam nahi hai. Use ये जो श्यामा नाम रखा है अच्छा नाम नहीं है। नरेटर ने ये क्यों कहा भाई? वाई सेट नरेटर दैट द नेम वट एवर। गुड आफ्टरनून अमनप्रीत, ओके। कि जो आपने नाम रखा है ये अच्छा नाम नहीं, ये क्यों कहा आथर ने ये क्यों कहा कि आपने जो नाम रखा है अच्छा नहीं है? कहता है कि आई एम लाइक ए डार्क पीस ऑफ आयल केक। आयल केक जानते हैं? कुछ लोग आयल केक जानते होंगे, आयल केक। क्योंकि नरेटर का नाम भी श्यामा है। कहता है कि आई एम श्यामा, माय नेम इज श्यामा, बट आई हैव ब्लैक कॉम्प्लेक्शन। आई हैव मिस माय कॉम्प्लेक्शन इज एज ब्लैक एज द आयल केक। आई एम लाइक ए डार्क पीस ऑफ आयल केक। डार्क पीस ऑफ आयल केक, आयल केक जानते हैं? कितने लोग आयल केक मीन्स क्या होता है? उत्कर्ष बताओ। आयल केक गांव में रहने वाले लोग तो जानते होंगे। आयल केक जानते हो? बताइए क्या होता है आयल केक। व्हाट इज आयल केक? व्हाट इज द खली? दीपक सिंह देखो बताया, यस, जो तेल निकालने में, हाँ यस, जो तेल निकलने के बाद वो निकलती है उसको खली बोलते हैं ना, खली, यस यस यस, वही आयल केक है। तो वो अपनी तुलना, नरेटर अपनी तुलना किससे करता है? कहता है मेरा जो कॉम्प्लेक्शन है वो ब्लैक कॉम्प्लेक्शन है, मैं तो काला हूँ और किसकी तरीके से हूँ? अ पीस ऑफ ब्लैक पीस ऑफ आयल केक, इसकी तरीके से मैं काला हूँ। डार्क मिस ब्लैक, ए डार्क पीस ऑफ आयल केक। व्हाई डिड यू हैव टू गिव
दैट गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर्स सच ए नेम। आप अपने बेटे को का नाम श्यामा क्यों रख दिया, वो तो गोल्डन है, वो तो गोरा है। मिस व्हाई डिड यू हैव टू गिव दैट गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर्स सच ए नेम। आपने इस गोल्डन चाइल्ड को इस श्यामा नाम क्यों रख दिया, ये तो गोरा है, मैं तो काला था, मैं काला था, खली की तरह से था, इसलिए मेरा नाम श्यामा पड़ गया काला होने के कारण। ब्लैक पीस ऑफ आयल के खान होने के कारण मेरा नाम श्यामा पड़ा। ये तो गोरा है, तुम्हारा बेटा तो गोरा है, गोल्डन कलर है, मिस फेयर कॉम्प्लेक्शन का है, फेयर कलर है, तब इसका नाम श्यामा क्यों रख दिया। व्हाट इज चाइल्डिश कपल यू आर, तुम दे चाइल्डिश कपल हो, बिल्कुल चाइल्डिश मिस बच्चे जैसा काम कर डाला, चाइल्डिश। बचकाना, चाइल्डिश मिस बचकाना जोड़ी है, मिस ये क्या है, चाइल्डिश कपल यू आर, रत्ना एंड यू आर चाइल्डिश कपल, बचकाना। चाइल्डिश मिस चाइल्ड लाइक एक्टिविटी, चाइल्डिश मिस चाइल्ड लाइक एक्टिविटी। रत्ना एंड यू, आई नो इट इज द इंग्लिश कस्टम आप नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक। तुम्हें तो इंग्लिश कस्टम के अनुसार कुछ अंग्रेज, द इंग्लिश मिस अंग्रेज होता है, ये अंतर होता है। इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है, लेकिन द इंग्लिश जब किसी लैंग्वेज के पहले डिफिनिट आर्टिकल द लग जाता है तो पर्सन हो जाता है। तो द इंग्लिश का मतलब क्या, अंग्रेज। तुम्हारा लड़का तो बिल्कुल अंग्रेज लगता है, गोरा चिट्टा है बिल्कुल, उसका नाम तो बिल्कुल अंग्रेजों जैसा होना चाहिए ना, उसका नाम कैसा होना चाहिए मिस, कुछ मॉडर्न नाम होना चाहिए, अंग्रेजी रीत के मुताबिक नाम उस व्यक्ति पर रखते जिसे तुम पसंद करते। मिस नाउ यू टेल मी, चलिए ये चर्चा हुई आगे, नेक्स्ट कन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन बिटवीन कन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन बिटवीन रंगा एंड द नरेटर, एंड द नरेटर आस्क्ड फादर आस्क्ड, क्या कहता है, योर वाइफ इज 8 months प्रेग्नेंट नाउ, योर वाइफ इज 8 months प्रेग्नेंट, हु इज देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक, देन हु केम नाउ मिस, हु केम फॉर हेल्प टू योर मदर, मिस नाउ हु केम फॉर योर मदर, हु केम फॉर योर मदर हेल्पिंग टू कुक फूड, बिकॉज योर वाइफ इज प्रेग्नेंट ऑफ 8 months। तो उसने कहा माई सिस्टर हैज कम विद हर, मिस किसने कहा, रंगा रिप्लाइड एंड आंसर्ड दैट माई सिस्टर केम फॉर हेल्पिंग टू माई मदर, फॉर व्हाट, फॉर कुकिंग, खाना बनाने के लिए कौन हेल्प करने के लिए आया, हेल्प करने के लिए कौन आया, हेल्प करने के लिए रंगा की सिस्टर, रंगा की मदर की हेल्प करने के लिए रंगा की सिस्टर आई हुई थी, रंगा की सिस्टर आई हुई थी। आई वेंट देयर फॉर डिनर, आथर कहता है कि मैं वहाँ डिनर के लिए गया, कहाँ डिनर के लिए गया, मैं वहाँ डिनर के लिए गया, कहाँ डिनर के लिए गया,
home of Ranga. I went there means the place of, means the home of Ranga. Shyama rushed to me when I walked in and put his arms round my legs. कहता श्यामा रश टू मी, श्यामा रश टू श्यामा, मतलब श्यामा रश टू श्यामा, ये मी कौन है? श्यामा रश टू मी व्हेन आई वॉक्ड इन, जब मैं अंदर गया, जब आथर नरेटर इंटर्ड होम, एज सुन एज द नरेटर इंटर्ड होम, श्यामा रस्ट श्यामा रस्ट टू मी द नेम ऑफ रंगा सन इज श्यामा एंड द नरेटर इज हिमसेल्फ श्यामा सो आई एम सेइंग हियर That Shyama rushed Shyama. To his son, nahin. Shyama rushed to his son, nahin. Shyama Ranga's son rushed to the narrator. The name of the narrator is also Shyama. Shyama rushed to Shyama. So first Shyama is the son of Ranga. And the second Shyama is the narrator himself. जैसे ही वो वे घर के अंदर प्रवेश किया श्यामा आया दौड़ करके एंड पुट हिज आर्म्स राउंड माई लेग्स और वो जो है मेरे पैरों में लिपट गया वो पैरों में लिपट गया हिज आर्म्स राउंड माई लेग्स आई किस्ड हिम ऑन हिज चीक and placed a ring on his tiny little finger. Miss, the narrator kissed the son of Ranga, who is only 3 years old. It means the narrator loved the son of Ranga and placed a ring on his tiny little finger. Or, miss, uski choti si ungli mein एक सुंदर सी अंगूठी पहना थी दिस इज द गोल्डन रिंग और उसको एक बर्थडे गिफ्ट के रूप में क्या दिया मिस श्यामा नरेटर गिफ्टेड श्यामा द नरेटर श्यामा गिफ्टेड श्यामा द सन ऑफ रंगा क्या गिफ्ट दिया व्हाट गिफ्टेड What gifted Shyama? Golden ring, सोने की अंगूठी उसके birthday gift के रूप में थी birthday gift के रूप में उसने दी Allow me to take leave of you, reader. I am always here. Ready to serve you. Miss, after attending the birthday party and giving a golden gift to the son of Ranga, the narrator asked the reader, allow me to take leave of you. अब कहता है रीडर से क्या कहता है मिस द आथर मिस आथर वुड लाइक टू गेट परमिशन फ्रॉम द रीडर रीडर से आथर परमिशन मांगता है कहता है अब मुझे जानने की अनुमति दो गिव मी परमिशन टू गो I am always here. मैं उपस्थित रहूँगा I am always to serve. I am always present for your service.
ready to serve you. You were not bored, I hope. मैं आशा करता हूँ आप लोग बोर नहीं हुए होंगे. मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस स्टोरी को, इस लेसन को पढ़ने में बोर नहीं हुए होंगे. इस आशा के साथ में, विद दिस होप, द ऑथर wants to get permission to leave from here. वो यहाँ से जाने की वो परमिशन मांगता है. Lesson is very interesting. Lesson is very interesting. Ranga's marriage, written by Master Venkatesa Iyengar. I think that you have followed very well. And today, सब कुछ समझ में आ गया ना? सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा. इसमें मैंने हिंदी का यूज़ इसलिए भी किया था क्योंकि जैसे जब कोई क्लास तो है नहीं, हिंदी में अच्छे से समझ में आ जाता है. सबको स्टोरी अब अच्छे से समझ में आ गई ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप बना लेंगे. ओके, तो आज हमने शॉर्ट क्वेश्चन भेजे हैं. कल हमने भेजे थे. आज एज ए होमवर्क आई सेंट यू टुडे शॉर्ट क्वेश्चंस फॉर होमवर्क. देन यू हैव टू डू होमवर्क. जिसने भी क्लास ना अटेंड की हो वो इस वीडियो को देख लेगा तब भी उसको समझ में आ जाएगा. सब लोगों ने अटेंड किया. अच्छा, इसमें कितने टोटल करेक्टर हैं आप लोग सेंड करिए. हाउ मेनी टोटल करेक्टर्स इन दिस स्टोरी. टोटल कितने करेक्टर्स हैं? आज तो 34 करेक्टर्स हैं. करेक्टर्स विद नेम 6 करेक्टर्स हैं. नाम क्या है फिर? 6 करेक्टर है. सिक्स करेक्टर्स नेम, 6 करेक्टर है तो उनके नाम बताइए. नाम यू शुड सेंड 6 करेक्टर्स विद दोज नेम. श्यामा, रंगा, रामाराव, रत्ना एंड शास्त्री. तो देर आर टू श्यामा. सभी लोग करेक्टर लिख करके भेजें. एस्ट्रोलाइजर को शास्त्री बोलेंगे. श्यामा ब्रैकेट में नरेटर, अदर श्यामा, दशा नाप रंगा, रत्ना, रामा राव. गुंडा भट्टा कौन है? दीपक सिंह. गुंडा भट्टा आया था एक बार. गुंडा भट्टा, ये गुंडा भट्ट है. भट्ट लिख रहे हैं कि भट्ट. डॉक्टर, यस, डॉक्टर भी तो है. वो आप लोग मिस कर रहे थे. डॉक्टर का
डॉक्टर भी तो करेक्टर एक था। सभी करेक्टर्स कह रहे थे, सभी करेक्टर्स डॉक्टर्स थे। क्योंकि ये आप लोग क्या करेंगे, मीन्स यू हैव टू राइट डाउन द प्रिंसिपल पॉइंट्स फ्रॉम पैसेज टू पैसेज, क्योंकि लेंथी लेसन को आपको रिवाइज करना होगा, इसलिए मैंने करेक्टर पूछा है। मीन्स यू शुड राइट डाउन द प्रिंसिपल पॉइंट्स फ्रॉम पैसेज टू पैसेज सो दैट यू विल बी एबल टू रिवाइज द इंटायर लेसन वेरी ईजली बिफोर द एग्जामिनेशन। दैट इज माई हम्बल एडवाइस फॉर यू स्टूडेंट। So I am asking you that how many characters related this lesson, and you must write down principal points, some important and significant points anywhere, so that you may revise the entire lesson before the examination. This is the main point thing. And the miss characters and the principal points, just like pond and the creeper, flowers in the very beginning of the lesson, and the name of the village. What is the name of the village? Who will tell the name of the village? Hosahali. And the author advises that if you would like to know about the village, then you are warm welcome if you would like to know about the good things, precious things about my village, then you can come and I can receive you. I tell you the important places. I will tell you about the important places as well as important and famous things. Who asked this? किसने बात कही थी? Narrator ने। Old MN ने क्या सर्च किया था? रंगा when Ranga came back from Bangalore, then the people of the village gathered before the Rama Rao's house, but an old woman is standing just beside Ranga and she says something. What she says something? Threat, yes. Sector threat, very good. Genuine, yes, very good. To me, this is very important point. She says to, she put her hand upon the chest and searched that he has worn sacred thread or not. So in this way, yes, Janeu, in this way आप लोग अच्छे से समझ गए हैं इसको, तो अब यहीं पर क्लास को एंड किया जाए और नेक्स्ट टर्म पर कल की क्लास जो होगी वो अभी आपका नरेशन में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बचा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बचा हुआ है ना नरेशन में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी यूनिट सेकंड में आपके सिलेबस में है, आपके सिलेबस में ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कल 2 बजे कल के टाइम में बताऊंगा होगी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इन नरेशन। शॉर्ट टाइटल, व्हाट विल द शॉर्ट टाइटल, व्हाट वुड यू लाइक टू आस्क शॉर्ट टाइटल, हु इज आस्किंग शॉर्ट टाइटल, what do you want to ask? I am unable to understand what your question.
Ranga's marriage is not short-titled. Short-titled means conclusion of a story. Conclusion, yes. Means you can conclude that the custom and tradition of village and how can the narrator convince the modern man for his custom and culture while Ranga is influenced with the modernity in spite of influencing, but the narrator chalk out the plan to obey the culture and custom of the village. ये custom और culture की बात है conclusion story में. ये कर सकते हैं कि कैसे culture और custom को उसने narrator ने रंगा को मनवाने के लिए बाध्य कर दिया. With the narrator compelled Ranga to obey the culture and custom of the village. Okay, understand? Who asked this question? That is the conclusion here. In brief, in short, that is the conclusion in brief. Okay. Any query from any side? If you have any query from a no. Child marriage को promote किया गया उस समय की जो custom थी इसमें child का marriage children marriage को promoting नहीं है जबकि एक miss ये कह सकते हैं हेल्पलेस गर्ल जिसके पेरेंट्स नहीं हैं इस दुनिया में एक तरह से उसकी मदद करना हुआ इनडायरेक्ट वे में ये है नॉट प्रमोटिंग द चिल्ड्रन मैरिज बट हेल्पिंग द हेल्पलेस ये है नॉट प्रमोटिंग Any query from any side? Any students? No? Yes, you can say. In this case, but in this story, age is not clear. Clearly, there is no description of the Ranga's age. So I cannot take exact years of Ranga, but he is matured.